ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ में अपना प्रभाव बढ़ाने की कार्ड भारत ने G20 में खोज ली। भारत को महज 8 महीने के कूटनीतिक प्रयास के बाद अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने में सफलता मिल गई। चीन और रूस भले ही इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप को साधने की मुहिम भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के जरिए साल 2015 में ही शुरू कर दी थी। G20 शिखर सम्मेलन में चीन और रूस के राष्ट्रपतियों की अनुपस्थिति के बीच ये भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भारत की अफ्रीका आउटरीच पहल करीब 8 साल पुरानी है, मगर AU को G20 में शामिल करने की मुहिम महज 8 महीने पहले इस साल जनवरी में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन से शुरू की गई। इस साल जून में PM मोदी ने G20 सदस्य देशों को पत्र लिखकर इस आशय की मजबूती से मांग की। चीन ने साल 2000 में फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन की शुरुआत कर अफ्रीकी महाद्वीप को साधना शुरू किया था। भारत 2008 से इस दिशा में बढ़ने लगा। 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को अंजाम दिया गया और तब इससे इस महाद्वीप के 52 में से 40 देशों ने भाग लिया। अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता देने के लिए भारत ने इस दौरान चीन और रूस के इतर दूसरे सदस्य देशों को साधना शुरू किया। इस दौरान भारत का तर्क था कि जब 5 यूरोपीय देशों को इस समूह की सदस्यता देने के बावजूद यूरोपियन यूनियन यानी AU को इसमें शामिल किया जा सकता है, तो अफ्रीकी महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका के रूप में इकलौते प्रतिनिधित्व को कैसे जायज ठहराया जा सकता है। इसी तर्क के आधार पर 55 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले AU को भी इस समूह में शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी सूत्र के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस और जापान AU की सदस्यता पर तटस्थ थे। बीते महीने चीन के प्रयास से ब्रिक्स विस्तार के बाद ये देश AU को लेकर गंभीर हुए। इन्हें चीन ने ब्रिक्स के विस्तार के जरिए ग्लोबल साउथ में पैठ मजबूत करने की झलक दिखाई दी। इसके बाद इन देशों ने AU को G20 में शामिल करने को लेकर अपनी सहमति दे दी। मोदी सरकार के कार्यकाल में अफ्रीकी देशों से संबंध बेहतर करने की पहल महज इस फोरम तक सीमित नहीं रही। बीते 8 साल में खुद PM मोदी ने 10 अफ्रीकी देशों का दौरा किया। अफ्रीका आउटरीच पहले के तहत बड़ी संख्या में मोदी सरकार के मंत्रियों ने इस महाद्वीप का दौरा किया। इस सम्मेलन में भी भारत ने G20 की भावी नीतियों के मामले में अफ्रीकी महाद्वीपों के हितों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। AU को G20 की सदस्यता ऐसे समय मिली है जब शिखर सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र जारी होने को लेकर संदेह जताए जा रहे हैं। चीन और रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर जलवायु परिवर्तन सहित दूसरे मुद्दों में भी टांग अड़ा रहे हैं। ऐसे में अगर साझा घोषणा पत्र जारी भी नहीं होता है तो इस सम्मेलन को AU की सदस्यता के लिए याद रखा जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।